की बाप्पा। गणेश भगवान जी के दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया यार। गुड इवनिंग गाइस, ये देखो भाई, तो आज आपका भाई आ चुका है सेक्टर 7 वाले गणेश पंडाल में। भाई ये देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है, और अंदर जाएंगे ना तो इससे और भी ज्यादा खूबसूरत है यार। तो चलो तैयार हो जाओ हमारे गणेश भगवान जी को देखने के लिए सेक्टर 7 वाले। तो इतना रोड इधर से अपन लोग जाएंगे ग्लोब चौक, और लेफ्ट साइड से जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे सेक्टर 9 हॉस्पिटल की ओर। तो चलो भाई साहब, ये हमारा सेक्टर 7 वाला गणेश भगवान जी का पंडाल। सब अपने जितने भी दोस्त लोग हैं ना, सब अंदर में हैं, सब लोग पहले से जा चुके हैं। तो चलो चलते हैं, सबसे मिलते हैं। और बहुत ही तगड़ा, ये देखो क्या ही लाइटनिंग है यार आजू बाजू, है ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देख के। कितना ही भव्य और ताबड़ तोड़ है भाई साहब, ये है माया जाल सेक्टर 7 वाला गणेश पंडाल। भाई साहब ये देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है, चलो अंदर चल के दिखाता हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है यार। मतलब सोचा नहीं था भाई कि इतना मस्त लाइन में एकदम ताबड़ तोड़ वाला ऐसा गणेश पंडाल बन दे अपने को देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। अपने शिवा भाई भी आ चुके हैं यहाँ के अध्यक्ष। अरे और भाई चप्पल मिला क्या यार, चोरी कर लिया। सामने से कितना ही तगड़ा लग रहा है यार ये भाई साहब। मतलब अंदर में भूल-भुले टाइप से मेरे को सीन ऐसा टाइप कुछ सुनाई मार रहा है, पता नहीं, अब देखते हैं अंदर जाके तब पता चलेगा भाई। बाकी तो बाहर से नजारा देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एक नंबर। भाई साहब गणेश जी के दर्शन करने चलते हैं, बहुत ही बढ़िया नजारा होने वाला है यार भाई। मतलब एंट्री कितना बढ़िया लग रहा है यार, एक नंबर। ये देखो भाई मतलब क्या, अरे तितली भी चमक रहा है यार, बहुत बढ़िया, एक नंबर यार। अपना गणेश भगवान को देखने से पहले पूरा फोटो खींचाने में बिजी है भाई साहब। ये फोटो नहीं खींचवा से यार, है ना, एक नंबर लग रहा है भाई, मजा ही आ गया। अपने दोस्त लोग भी बीच में फोटो खिंचाने के लिए रुक गए, साथ कहाँ गए? तो आप देख सकते हो गाइस, देखना भाई डेकोरेशन क्या अच्छी तरीके से हुआ है भाई, इधर दिखाना। अच्छा ऐसा क्या, दिखाना ब्रो। अरे भाई साहब बहुत ही बढ़िया, स्त्री बहुत खूबसूरत लग रही है दोस्तों, अरे यार एक नंबर लग रहा है यार वाकई। ये भी पेपर का बना लग रहा है, पूरा पेपर का भूल भुलैया जिसको बोलते हैं ना। अच्छा वो दिख रहा है ना, पूरा भूल भुलैया की तरफ से सजाया गया है। अच्छा ऐसा, वो मकड़ी की जाली नहीं होता, मकड़ी की जाली। अच्छा ये मकड़ी का जाली मतलब उस टाइप से बनाया गया, बहुत ही बढ़िया भाई। और आओ भैया यहाँ भरपूर तरीके से एसी लगा हुआ है, एसी। ये देखो भाई वाकई एसी लगा हुआ, इतना मस्त ठंडा लग रहा है ना, गर्मी का एहसास ही नहीं हो पा रहा है। ये देखो भाई गणेश भगवान जी के दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया यार। और इसके बाद आजू बाजू का नजारा देखो और भी खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये यार मतलब क्या ही तगड़े सजाया गया यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। सजावट देखो मतलब ये बना पेपर से ही है, कितना ही बढ़िया लग रहा है ना, ताबड़तोड़। ये सब पेपर से बनाएगा, पेपर भाई। मतलब जितने भी जगह जा रहे हो ना इधर सेक्टर साइड बिलाई में भाई, हर जगह यूनिक है यार, ताबड़तोड़। ये देखो, ओह माय गॉड क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार। ये देखो वाइड एंगल में देखना भाई यार, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। पता है वाइड एंगल में थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाता है, लेकिन ये देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है आमने सामने देखने से, बहुत ही जबरदस्त यार। वाह मतलब इतना क्रिएटिविटी लाते कहाँ से है भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एक नंबर। देखो जितने भी लोग आए ना मस्त फोटो खिंचाने में ही बिजी है भाई। ये देखो मतलब सबके सब लोग फुल मस्त फोटो खिंचाने में बहुत ही ज्यादा बिजी है। बाकी मतलब भाई डेकोरेशन ही ऐसा है कि सब लोग फोटो खिंचाने में ही बिजी रहेंगे, ऐसा है। ये देखो बहुत ही बढ़िया, हमारे गणेश भगवान जी इधर बैठे हुए हैं। वाह देखो उत्सव शिव छत्रपति की धरा पर उस आराध्य का जिसकी पूजा के संकल्प से शुरू होता है हर शुभ अनुष्ठान। वक्रतुंड महाकाय के सूर्यकोटि यश का उत्सव, महादेव के अंश से सृजित हुए उस आराध्य का जिसकी पूजा स्वयं महादेव से भी पहले की जाती है। उत्सव महादेव के यशपुत्र महागणपति के आगमन का। गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय
ढाई सेक्टर 7 का जो डेकोरेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, और एक बार विजिट करने जरूर आना भाई, क्योंकि कितना ही बढ़िया लग रहा है। देखिए यार, ये देखो हमारे गणेश भगवान जी के एक बार और दर्शन कर लो भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलो भाई साहब, यहाँ ना गरबा का भी मतलब की पूरा तैयारी किया गया, जैसे अपन नवरात्रि में गरबा होता है ना, वैसे ही यहाँ भी गरबा का ही प्रोग्राम रखा गया। तो चलो आप गरबा दिखाते हैं, उसके बाद झूला भी दिखाएंगे भाई, बहुत ही बढ़िया। तो शादी वादी नहीं हुए जी, चौकी लेकर नहीं है तो शादी वादी नहीं हुए तो 200 रुपया। तो चलो भाई साहब, शादी होने वाला है उसका 500। शादी हो गया उसका 500। देखो भाई आकाश झूला कितना ही खूबसूरत लग रहा है, एक सेकंड ये देखना भाई। अरे यार नवरात्रि वाला माहौल लग रहा है, सही में बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको एंजॉय करो आप लोग। गरबा करने नहीं आ रहे, तो चलो आप सीधा झूले के पास चलते हैं, झूला झूलने वाले हैं बहुत ही तगड़े तरीके से भाई। ये देखो बाकी कैसा लगा सिनेमैटिक शॉट, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और सेक्टर 7 घूमने जरूर आना, बहुत ही तगड़ा माहौल होने वाला है यार। बस अभी आप जब कल आओगे ना तो यहाँ तो कुछ भी भीड़ नहीं है भाई, इसके बाद इतनी गंदे से भीड़ होने वाली है, एकदम ताबड़तोड़ गरबा होने वाला है ना। आप गरबा से इधर से निकलोगे ना, आप लोग इधर देखना सीधा झूला तो आपको दिखाई दे ही जाएगा। ये देखो अब आगे चल के मस्त झूला झूलते हैं, आकाश झूला को देख के आपको मन कर ही गया होगा कि झूला झूले। ये देखो भाई कितना बढ़िया सजा है यार। तो चलो भाई साहब सीधा मेला में चलते हैं, झूला झूलते हैं भाई, आज पूरा टीम जा रहा है सेक्टर 7 का। तो चलो पूरा झूला झूलते हैं, अब देखते हैं कि सब झूला हम झूल पाते हैं कि नहीं। कैसे यार जैस, तो डर नहीं लगे यार? अरे डर बहुत लगता है, लेकिन डर लगता है क्या यार? नहीं, चल अभी दिख जाएगा। ब्रेक डांस से बहुत टाइम बाद बैठने वाला हूँ, पता नहीं जब हम लोग जब मैं जब छठ वाइप करने वाला हूँ इस चीज का, देख सकते। पहली बार जा रहे, पहली बार जिंदगी में पहली हुआ। तो गाइस मैं बताऊंगा आपका वीडियो कैसे हुआ, तो माहौल बना देंगे आज तो। मजा आ गया, चक्कर लागी इसका, ऐसा लगा मजा आ गया। हाँ भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आएंगे भाई को देख लेना, ये भाई है। तो चलो ठीक है, हाँ भैया तो चलते हैं नेक्स्ट झूले की ओर। भाई साहब जब इतने लोग साथ में हो ना तो माहौल ऐसे ही बन जाता है। ये देखो चलो, किस किस की फटी एकदम सही बता ना, मेरी तो फटी नहीं, बिल्कुल नहीं फटी, मजा आया ना भाई साहब, इसमें ज्यादा फटती है यार। चल अरे आना भाई आना, अरे तब तो मजा आएगा यार, अरे मेरे साथ में बैठना, मेरी भी फटती है। आप देख सकते हो लक्ष्मण झूला जिंदगी में पहली बार झूल रहा हूँ गाइस। तो आप देख सकते हो गाइस अपने यूट्यूबर भाई को, भाई आप तो नीचे उतार दे गाइस, अरे यार और ऊपर चढ़ आ रहे, अबे दुर्गेश दुर्गेश भैया, मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ, सबसे ऊपर आप देख सकते हो वो लोग
वो भाई 80 किलो का है। ये हमारे भैया, थैंक यू भैया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मजा आ गया झूलने में। भाई से संपर्क करे जो भी झूलना है। अपन जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोगों के साथ आएंगे ना, उनके लिए ये भी है मस्त झूला, प्लस ये अपना टारजान द वंडर कार भी है भाई साहब, एक नंबर, मतलब सब चीज का अरेंजमेंट है इधर सेक्टर 7 वाला अपना। जब गणेश पंडाल में आओगे ना भाई, अपने छोटे छोटे बच्चे के लिए, अपने बहुत बड़े बड़े अपने जो भाई लोग हैं ना, सबके लिए बहुत ही तगड़े से एक नंबर इंतजाम किया गया है। बाकी गणेश भगवान को आप देख के दिल खुश ऐसे ही हो जाएगा। मैं ना 8th क्लास में चढ़ा था भैया, पता है आप लास्ट टाइम कब चढ़े थे पता है क्या आपको? पिछले साल जी। खतरनाक लगता है भाई, एक साइड से जब ऐसे मूर्ति है ना तो बहुत ही तगड़े से प्रेशर आता है लेफ्ट राइट साइड। बैठते हैं और राइट का मजा लेते हैं। पति बाप्पा सर, हाँ राइड एक्सपीरियंस दोस्तों। जिसका ज्यादा फट रहा है वही ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेशन दे रहा है। नहीं मैं जयस की बात कर रहा हूँ ना, झूला झूले बहुत ही मजा आया भाई, ताबड़तोड़ एंजॉयमेंट किया। आप देख सकते हो हर ग्रुप में एक लड़का ऐसा होता है जो खालिस्तान के चक्कर में खालिस्तान रहता है भाई। तो आप वहाँ देख सकते हो, जूम करके दिखा भाई, जूम करके। तो मेरे से प्यार करती है कि नहीं बता, मेरे से प्यार करती है कि नहीं? झूला झूलने मस्ती करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया भाई घूम के। तो चलो भाई साहब, ये था हमारा सेक्टर 7 का गणेश भगवान का पंडाल भाई साहब, बहुत ही बढ़िया लग रही है, देखो है ना, बहुत ही तगड़ा लग रहा है। और इधर का भी नज़ारा देखना, इसका एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत ही बढ़िया था, और यहाँ का वो मस्त तगड़े से इंतजाम है भाई, मस्त अंदर में एसी भी लगा हुआ है। तो चलो भाई साहब, ऐसा ही और वीडियो आते रहेगा, जितने भी अपने भिलाई पंडाल है ना और विजिट करेंगे, और ऐसा ही वीडियो कंटिन्यू हमारे चैनल में डालते रहेगा भाई। तो चलो मिलते हैं ऐसे किसी और नए अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी देखो भाई नज़ारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना।